सांसद बनने के बाद आज पहली बार कार्तिक शर्मा अपने गृह जिले अंबाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रोड शो निकाला। रोड शो के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा कि अंबाला में IIT लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी, वे अंबाला जिले को एक ही गोद में लेना चाहते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि अब हरियाणा में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और प्रोग्राम बन सकते हैं, और मेरा एक फोकस एरिया वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर और इसको लेकर इसी एरिया पे काम करेगा कि हम कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, पिछले 5 से 7 साल से मैं भारत सरकार के साथ और ऑल एंटिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करते हुए मैं अंबाला के लिए और हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा, और उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे और नए तरीके के आयाम पैदा कर पाएंगे। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में गए हैं, मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर ये क्या करेंगे, हरियाणा में किस तरह का काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, मैं इन पे छोड़ता हूँ, यही बताएंगे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए, इसमें नौजवानों को आगे आना चाहिए,